नमस्ते फ्रेंड्स, सिद्धि खिचड़ी चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे अबाउट रिलेशंस डिफरेंट, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो आज का जो वीडियो है इसके ये है फंक्शन के ऊपर, फंक्शन का डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल्स एंड कुछ टर्म्स रिलेटेड टू फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। और अगर प्रीवियस वीडियो में वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर जो राइट आई बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। एंड अगर कुछ डाउट निकलेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लस टू लेवल स्टूडेंट्स एंड फॉर एंड ऑल्सो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स। तो फंक्शन होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो एक्चुअली फंक्शन एक रिलेशन ही है। सारे रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते, पर सारे फंक्शंस रिलेशन होते हैं। इसीलिए ये रिलेशन का एक स्पेशल केस है, तो उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे ना। ए रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इसे फंक्शन, तब एक रिलेशन का एक फंक्शन होगा, तब होगा इफ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या है, नंबर वन बिट वन है ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ वाई। सिमिलरली सेकेंड क्या कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ वाई, ओके। तो एक रिलेशन का तब फंक्शन कहा जाएगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए एग्जांपल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। लेट वी हैव टू सेट्स ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू ए बी एंड सी। देन अगर हम लोग ऑर्डर पेयर के हिसाब से जो मैं बताई थी लास्ट वीडियो में इसको अरेंज करेंगे तो 1A 1B 1C 2A 2B 2C इस तरह का होगा। और इसको अगर रिलेशन इसमें अगर हम लोग लिखेंगे, सपोज मैं ऑर्डर पेयर भी लिख लेती हूँ 1A 1B 1C 2A 2B एंड 2C, ठीक है। तो अगर इसमें एक ऑर्डर पेयर हो गया, अभी इसी में से इसका एक सबसेट कुछ लेंगे, सपोज R1, ठीक है। तो R1 क्या है, सपोज मैं ले रही हूँ 1A 2B, ठीक है, एंड R2 इज सपोज 1C, R3 मैं अभी लिख रही हूँ R3 इज 2B, R4 इज 1A 1B 2C इस तरह का है। तो यहाँ पे चार रिलेशंस है, चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। मैं इसको मिटा लेती हूँ, ये भी दरकार नहीं हमें। अच्छा, तो सपोज यहाँ पे बनाएंगे ये R1 का, ठीक है, एंड दिस इज R2 का रिलेशन, दिस इज R3 का, एंड दिस इज फॉर R4, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम हम बनाएंगे, चलिए ये है A सेट, ये बी, ये ए बी, क्योंकि ये सारे रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी है, एंड दिस इज ऑल्सो ए टू बी। तो ए सेट में क्या क्या था, 1 एंड 2, यहाँ पे ए बी सी,
वन टू ए बी सी, वन टू ए बी सी, वन टू ए बी सी। तो आर वन जो सेट है वन का ए के साथ रिलेशन है, तो ए वाला इस तरह का रिलेशन, टू का बी के साथ रिलेशन है, ठीक है। एंड आर टू में वन का सी के साथ, और किसी के साथ नहीं है। एंड आर थ्री में टू का बी के साथ, ठीक है। एंड आर फोर में वन का ए के साथ, वन का बी के साथ, टू का सी के साथ। यहाँ पे आर फोर में सॉरी आर टू में और एक रिलेशन बना लेते हैं, सपोज टू टू का ए के साथ। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ टू का ए के साथ रिलेशन है। तो ये अभी चार रिलेशंस बन गए, उसका डायग्राम भी बना दिया। अभी चेक करेंगे कि ये रिलेशन सारे फंक्शन है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? उसका कंडीशन देख के। तो देखो, फर्स्ट जो कंडीशन है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब सेट फर्स्ट जो सेट है, सेट ए का रिलेशन होना चाहिए विथ एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स का एक्स या फिर ए बी। मैं यहाँ पे ए ली हूँ तो यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। सपोज ये ए है, ये बी है, तो समझने में आपको इजी लगेगा थोड़ा सबको। तो ये ए बी, ठीक है। तो मतलब ए का सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ए में क्या क्या एलिमेंट है, वन एंड टू, वन का रिलेशन भी है, टू का भी रिलेशन है, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये सेकंड, अभी ये मुझे नहीं चाहिए, ये डायग्राम इसको मैं मिटा सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो आर वन में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, एंड रिलेशन आर टू सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ पे भी कर रहा है, क्योंकि वन का रिलेशन सी के साथ है, टू का रिलेशन ए के साथ है, और बाकी कुछ एलिमेंट बचा ही नहीं ए में, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में लिखा है कि ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का रिलेशन होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है आर थ्री में, तो ये नंबर वन कंडीशन के लिए ये फेल हो गया, क्योंकि नंबर वन कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, यहाँ पे देखिए वन टू, यहाँ पे दोनों का रिलेशन है, वन का भी टू का भी, तो ये नंबर वन कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। तो इसमें भी कर गया, यहाँ पे भी आई कर गया, यहाँ पे भी आई कर गया। अभी चेक करते हैं सेकंड कंडीशन, दोनों करना चाहिए तभी जाके हम लोग उसको फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका एक ही के साथ रिलेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वन का ए के साथ है, टू का बी के साथ है, तो एक ही लोगों के साथ है, तो ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ही जन का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे तो ऑलरेडी वन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पर टू सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जिसका भी रिलेशन है बस एक ही एलिमेंट के साथ है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन का रिलेशन ए के साथ एंड बी के साथ, दोनों के साथ है, इसलिए यहाँ पे ही ये कंडीशन फेलियर हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट का रिलेशन सेकेंड सेट में मोर देन वन एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आर टू मतलब आर थ्री एंड आर फोर ये फंक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि दोनों रिलेशन दोनों में से किसी एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, पर ये दोनों होंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें कि दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पे वन टू थ्री, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है या फिर इसी में ही हम लोग कर सकते हैं। तो देखो सपोज ये ए है, ये बी है, तो इसमें क्या फर्स्ट कंडीशन कब फेल होगा? अगर सपोज इस तरह का है, वन का ए के साथ, बी का टू के साथ, थ्री का सी के साथ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन फेल हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे टू का रिलेशन किसी के भी साथ नहीं है, तो ये फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया। सिमिलरली सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन में ये वन का, देखो वन का दोनों के साथ रिलेशन है, तो ये सेकंड कंडीशन फेल हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में फेलियर है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, पर ये दोनों हो गए। अगर इस तरह का उल्टा होता, उल्टा मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल दूंगी, देखो
यहाँ पर सपोज वन टू ए बी सी जो यहाँ पे लिखा है उसी के हिसाब से अगर लिखेंगे तो सपोज वन का ए के साथ और टू का ए के साथ, ये होगा कि नहीं? लिखो यहाँ पे वन का ए के साथ। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि सारे एलिमेंट का किसी ना किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कर गया, वन यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। अच्छा, सेकंड कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? सेकंड कंडीशन जो है ये कह रहा है कि यहाँ पे जो इन लोगों का जो रिलेशन होगा वो एक ही जन के साथ होना चाहिए। देखो वन का रिलेशन ए के साथ है और किसी के भी साथ नहीं है, सिमिलरली टू का रिलेशन ए के साथ है और किसी के भी साथ नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो मतलब फर्स्ट सेट में कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड वाला कंडीशन क्या कह रहा है कि मैनी वन, जैसे मैनी के साथ वन हो सकता है पर वन के साथ मैनी लोगों का, मोर देन वन का रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया? तो दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। इसलिए फंक्शंस आर सबसेट ऑफ रिलेशंस। ठीक है, मतलब रिलेशन का अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन होगा। तो ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। चलिए अभी कुछ टर्म्स रिलेटेड टू फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वन टू थ्री, यहाँ पे लिख रही हूँ ए बी सी डी। ठीक है, ए का ये फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन का नोटेशन क्या होगा? हम लोग ना स्मॉल एफ लिख सकते हैं, कैपिटल एफ लिख सकते हैं। ठीक है, एंड फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, इस तरह का लिखेंगे एफ इज फ्रॉम ए टू बी, इसका नोटेशन है। मतलब एफ इज को पढ़ते हैं, अगर स्मॉल एफ होगा तो एफ इज मैपिंग मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, और एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह का लिखा जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए यहाँ पे। तो सपोज वन का ए के साथ रिलेशन है और यहाँ पे लिखेंगे टू का सपोज बी के साथ, थ्री का डी के साथ, इस तरह का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हम लोग अभी सीखेंगे, जानेंगे। द फर्स्ट वन इज डोमेन। डोमेन क्या होता है? उसके बाद को डोमेन। सपोज इस सेट का नाम मैं दे रही हूँ ए एंड दिस इज बी। ठीक है, एंड उसके बाद इमेज, प्री इमेज एंड रेंज, ये पांच टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन हम लोग। कौन से सेट में आता है होगा ये? ए सेट में। तो ए सेट इज द डोमेन सेट। तो फर्स्ट जो सेट होता है वो है डोमेन सेट। तो यहाँ पे ए इक्वल टू वन टू थ्री इज द डोमेन सेट। ठीक है, सिमिलरली को डोमेन क्या होता है? जो सेकेंड वाला सेट होता है, मतलब जहाँ पे एफ मतलब इनपुट जो है वो है ए एंड आउटपुट जो निकलेगा जिस सेट में जो है सेट वो है को डोमेन सेट। तो इसका एलिमेंट क्या है? ए बी सी एंड डी। ठीक है, अच्छा इमेज क्या होता है? इमेज मतलब इमेज इंडिविजुअल एलिमेंट्स का निकलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इज सपोज ये एफ फंक्शन है ना स्मॉल एफ, तो एफ ऑफ वन, अगर एफ फंक्शन वन के ऊपर अप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? वन ए आएगा। सिमिलरली एफ ऑफ टू इक्वल इनपुट अगर सी लेंगे तो आउटपुट आएगा डी। तो यहाँ पे लिखे हैं कि इमेज इमेज ऑफ वन इज ए, इमेज ऑफ टू इज बी एंड इमेज ऑफ थ्री इज डी। ओके, सो हियर जो इमेज में निकल रहा है जो सेट्स ए बी डी, एक्चुअली यही होता है रेंज सेट। तो सेकेंड सेट जो है वो है कोड अमन, पर जो जो आउटपुट में आएगा उसमें से एलिमेंट्स वही होंगे रेंज सेट। तो जैसे जो इमेज का वैल्यूज निकलेंगे वही होगा रेंज सेट। एंड प्री इमेज क्या है? प्री इमेज मतलब इमेज का उल्टा। अगर इमेज ऑफ वन इज ए देन प्री इमेज ऑफ प्री इमेज ऑफ ए इज वन, प्री इमेज ऑफ बी इज टू एंड प्री इमेज ऑफ डी इज थ्री। सी का कोई प्री इमेज यहाँ पे है ही नहीं।
ओके तभी पढ़ेंगे। चलिए ऑन टू पहले इनटू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है एंड मैनी वन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ऑन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, अगर चलो एक काम करते हैं डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम चारों का एक एग्जांपल ठीक है। तो ये सेट ए, ये है ए बी ए बी ए बी ए बी और ये इनटू का एग्जांपल ले रही हूँ। तो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन ओके। तो अभी हम लोग सपोज यहाँ पे लूँगी मैं वन टू, यहाँ पे ए बी सी, वन टू ए बी सी, वन टू ए बी सी, वन टू ए बी सी। तो अभी यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी में हम लोग यहाँ पे ले लिए, तो अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अभी कि क्या इनटू है, क्या ऑन टू है, वन वन क्या है, मैनी वन क्या है ठीक है। तो इनटू मतलब क्या होता है, अभी जब बता रही थी तो आप लोगों को कि रेंज, रेंज इक्वल टू होगा उसका डोमेन, मतलब उल्टा सॉरी उल्टा ऑन टू में होगा रेंज ऑफ ए इक्वल टू कोडोमेन ठीक है, कोडोमेन ऑफ एफ, समझ में आया। रेंज एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, पर यहाँ पे रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। कैसे, चलिए देखते हैं एग्जांपल। अगर वन का रिलेशन सपोज ए के साथ है ठीक है, वन का रिलेशन ए के साथ, टू का रिलेशन सी के साथ, तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन हो गया, पर यहाँ पे बी में एक एलिमेंट बच रहा है, तो यहाँ पे कोडोमेन सेट में आएगा ए बी सी, पर रेंज सेट में खाली ए एंड सी आएगा, तो दोनों इक्वल हुए क्या, नहीं हुए ना, तो ये हो जाएगा इनटू फंक्शन। पर ऑन टू कब होगा, ऑन टू होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो देखिए कुछ बचना नहीं चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे और एक ले रही हूँ थ्री ठीक है, थ्री ले ली, तो ए का सपोज ए के साथ, टू का सी के साथ, थ्री का बी के साथ, तो देखिए सारे एलिमेंट का सारे के मतलब सबका साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है, एक एक लोगों का साथ एक एक एलिमेंट के साथ है, पर कोई बचा नहीं है ए में भी नहीं बी में भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग वन वन इंटू कैसे चूज करेंगे, कैसे हम लोग को पता चलेगा, अगर बी सेट में कुछ बच जाएगा वो होगा इस तरह का फंक्शन को कहेंगे इंटू फंक्शन, अगर इक्वल हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा, मतलब यहाँ पे देखिए कोडोमेन सेट इज ए बी सी एंड रेंज सेट इज ऑल्सो ए बी सी, तो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, तो इसलिए हो गया ऑन टू फंक्शन ठीक है। अच्छा अभी है वन वन फंक्शन ठीक है, वन वन को ना कभी कभार इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू को कहा जाता है सब्जेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे वन वन क्या होता है, वन वन मतलब ये भी बहुत ही सिंपल है, वन मतलब वन के साथ ओनली वन एक ही एलिमेंट का रिलेशन होगा, वन के साथ वन का सपोज ए का, टू के साथ सपोज सी का ठीक है। मतलब हम लोग चाहे तो इस तरह का भी तो रिलेशन हो सकता है ना, कि इस तरह का हो सकता है कि यहाँ पे वन टू है, यहाँ पे ए बी सी है, तो ऐसे भी बना सकते हैं कि वन का रिलेशन ए के साथ, टू का रिलेशन ए के साथ, तो ये भी तो एक फंक्शन होगा ना, पर इस तरह का फंक्शन को हम लोग वन वन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे वन के साथ वन का रिलेशन नहीं है ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन को वन वन नहीं कहा जाएगा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, तो ये इसको छोड़ो, तो नेक्स्ट क्या है, वन वन मतलब ये है ठीक है,
अच्छा मैनी वन क्या है? मैनी वन मतलब मैनी लोगों का रिलेशन एक के साथ होगा, मैनी का रिलेशन एक के साथ। जैसे कि ये अभी जब मैं बनाई थी डायग्राम, ये वन वन नहीं है, मैनी वन है। क्लियर? अच्छा तो ये चारों क्लियर हो गया। अभी और एक चीज़ बच गया जो कि जिसको कहते हैं कि बायजेक्टिव फंक्शन। बायजेक्टिव मतलब वन वन प्लस ऑन टू, मतलब इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो इस तरह का एग्जांपल कैसे होगा? इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज यहाँ पे मैं ले रही हूँ वन टू थ्री, यहाँ पे ले रही हूँ ए बी, ऑन टू होना चाहिए ना, तो सी। तो देखो यहाँ पे वन वन, वन के साथ वन का रिलेशन है एंड ऑन टू भी है। ऑन टू मतलब बी में भी कुछ एलिमेंट बचा नहीं है। तो इस तरह का रिलेशन को हम लोग, इस तरह का फंक्शन को कहेंगे बायजेक्टिव फंक्शंस। क्लियर? तो ये हो गया। अभी चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। ये थोड़ा इन शॉर्ट में पढ़ा दूंगी आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो एक्चुअली टाइप्स ऑफ फंक्शंस जनरली दो टाइप का होता है। एक है अलजेब्रिक और एक ट्रांसडेंटल। ट्रांसडेंटल इस तरह का इसका स्पेलिंग है, ठीक है, अलजेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल। तो अलजेब्रिक में क्या क्या फंक्शन जाएगा? अलजेब्रिक में ये नंबर वन कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मतलब एक फंक्शन लोगे, कुछ भी वैल्यू दो, फाइनली आंसर कांस्टेंट वैल्यू आएगा, सपोज सी। तो यहाँ पे रेंज क्या होगा आप लोगों का? रेंज यहाँ पे निकलेगा सेट ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ये जो आप लोगों का सॉरी डोमेन आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज आएगा किसी भी एक वैल्यू सी, सपोज ये कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी वैल्यू इनपुट दो आउटपुट ऑलवेज सी ही आएगा। नंबर टू है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ये क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ए फ्रॉम, मतलब सेम रेंज एंड इसका डोमेन दोनों सेम ही होगा। तो उसका डोमेन जो भी होगा रेंज भी वही सेम होगा। सपोज सेट ऑफ रियल नंबर ए भी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, दोनों का रेंज एंड डोमेन सेम होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आर से जाएगा सेट आर तक। तो यहाँ पर डोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिटी। थर्ड वन आपका आएगा रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल मतलब कुछ भी एक फंक्शन लिखा होगा जैसे कि फ्रॉम एक्स टू वाई कुछ भी वैल्यू लेंगे और जिसमें आएगा जिसका रेंज होगा, मतलब इस तरह का फंक्शन वाई इक्वल टू वन बाई एक्स, ठीक है। तो इसका डोमेन में आएगा आर, खाली जीरो को छोड़ के, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जीरो लिखा नहीं जाता, वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है। एंड इसका आंसर भी जो आउटपुट में भी कभी जीरो नहीं आएगा। तो रेंज एंड डोमेन इसका बोथ सेट ऑफ रियल नंबर से जीरो को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अच्छा मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन या फिर इसको कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस में क्या होगा? इसमें पूरा मोड फंक्शन, मोड फंक्शन मतलब नेगेटिव लो या फिर पॉजिटिव लो, आंसर ऑलवेज इज नेगेटिव एंड जीरो का जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे जो आपका जो डोमेन होगा, डोमेन या सेट ऑफ रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, पर रेंज में ऑलवेज क्या निकलेगा? रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू सारे आर प्लस एंड जीरो को मिला के जीरो एलिमेंट आएगा एंड सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा नंबर फाइव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसका सिंबल है इस तरह का, और इसमें डोमेन क्या होगा? इसमें इंटीजर उसके पहले वाला इंटीजर तक, ठीक है, एक इंटीजर से पहले वाला जितने वैल्यूज है अप टू पहला इंटीजर सारे का वैल्यू एक वैल्यू आएगा वही सेम आएगा, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होता है
यहाँ पे हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर को ले सकते हैं, या इंटीजर, मतलब इसका जो रेंज निकलेगा ऑलवेज इंटीजर वैल्यूज आएंगे, सारे नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, ये सब आएंगे। समझ पाया? तो इन शॉर्ट में बता रही हूँ ये सब, ठीक है। और एक फंक्शन हो सकता है अलजेब्रिक में, नंबर 6 यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अलजेब्रिक में एक होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है? एक ये भी कुछ इस तरह का डिफाइन होता है, जहाँ पे डोमेन होगा आर पर रेंज होगा आपका -1, 0 एंड 1। मतलब ये मॉडुलस बाय एक्स, इस तरह का एक फंक्शन होता है। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू लोगे तो नेगेटिव आएगा, ओनली एक ही वैल्यू आएगा रेंज में। पॉजिटिव लोगे तो ओनली वन, एक ही वैल्यू आएगा, एंड जीरो के लिए जीरो आएगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन से इसका डिटेल ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन हो गया। और एक फंक्शन भी होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन भी एक होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब ये तो सबका पता है कि ए आर लोगे तो रूट ओवर के आएगा, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा, डोमेन होगा, ये जीरो से स्टार्ट होके इन्फाइनिट तक, जीरो सारे पॉजिटिव वैल्यूज, एंड रेंज में भी वही सेम आएंगे, रेंज भी वही सेम आएगा, ठीक है। तो ये है स्क्वायर रूट फंक्शंस, ओके। नाउ और भी हो सकता है इसमें पॉलीनोमियल फंक्शंस, ठीक है, रेशनल फंक्शंस। पॉलीनोमियल तो पता है आपको, मैं 8, 9 इसको मिटाती हूँ, मैं बाद में लिखेंगे। नंबर 8 पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल फंक्शन, और भी लिख सकते हैं रेशनल फंक्शन, ठीक है, रेशनल। पॉलीनोमियल में डोमेन एंड रेंज दोनों आर। पॉलीनोमियल सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस वन। रेशनल क्या होता है? रेशनल मतलब ऊपर इस तरह का फॉर्म होगा, दो पॉलीनोमियल अगर डिवाइडेड फॉर्म में रहेगा वो है रेशनल, ये भी आर से ही आर तक जाएगा, ठीक है। तो ये सारे और इस तरह का फंक्शंस को एक्सेट्रा, बहुत सारे फंक्शंस, ये सब है अलजेब्रिक फंक्शंस। तो हो गया अलजेब्रिक। अच्छा, ट्रांसेंडेंटल क्या होता है? तो देखिए ट्रांसेंडेंटल क्या होगा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ये क्या होता है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, फिर लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब है ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आपको सबको पता है, ये साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन, कॉट, ठीक है, एंड सेक, कॉस सेक, ये सब फंक्शन से ट्रिगोनोमेट्री का। सिमिलरली इसका इन्वर्स लिख देंगे तो, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, इस तरह का फंक्शंस को कहेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका इसका जो रेंज एंड डोमेन का टेबल ये होगा, देखिए सो दिस इज द टेबल फॉर डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक, कॉस एक, टैन, कॉट, सबका है यहाँ पे डोमेन एंड रेंज। सिमिलरली ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डोमेन एंड रेंज का टेबल। हम लोग इस तरह के लिखेंगे ए टू द पावर एक्स कुछ भी, मतलब नीचे कॉन्स्टेंट रहेगा, ऊपर में एक्स रहेगा। इसमें डोमेन होगा आर एंड रेंज होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, जीरो नहीं होगा, ठीक है। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ये उसका उल्टा है, इसका लिखते हैं लॉग, ठीक है, लॉग एक्स बेस ए हम लोग लिख सकते हैं। और इसका ये जो फंक्शन है एंड इसका डोमेन क्या होगा, उल्टा होगा, आर प्लस रेंज होगा ओनली आर। डिटेल्स इसमें नहीं जाएंगे अभी। तो ये हो गया वैरायटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने वैरायटीज़ हैं। और इसमें हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं फंक्शंस में व्हाट इज़ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ऑड फंक्शन क्या होता है? तो ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन ये क्या है? ऑड मतलब अगर किसी भी फंक्शन का नेगेटिव लेंगे और नेगेटिव या कॉमन होकर पॉजिटिव के साथ इक्वल होगा तो वो है ऑड फंक्शन,
एंड इवन क्या होता है, अगर नेगेटिव लोगे हो या फिर पॉजिटिव, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल, पहले वाला का एग्जांपल मैं ले सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, साइन का अगर माइनस एक्स लेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स होता है ना। पर यहाँ पे कोस का अगर माइनस लेंगे तो वो माइनस होता है क्या, ये प्लस हो जाता है, प्लस कोस एक्स, ठीक है, खाली कोस एक्स। अच्छा, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब लेंगे, एक्स क्यूब एक फंक्शन है, उसका नेगेटिव अगर लोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब होता है। पर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लोगे और उसका नेगेटिव लेके अगर लोगे तो वो प्लस होगा ना, सेम टू एक्स का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे, यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया, देखिए साइन एंड कोसेक फंक्शन ही नेगेटिव होगा और बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्री जो है, कॉस सेक टैन एंड कोट, ये सब इवन फंक्शन से, एंड सारे ओड, सारे ओड पावर वाला फंक्शन से, ओड फंक्शंस अगर सारे ओड पावर वाला ऐसे लिखेंगे, एंड सारे इवन पावर वाला अगर होगा, ये सब इवन फंक्शन ही होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन के ऊपर हो गया कुछ ब्रीफ आइडिया। तो अभी और दो चीज़ भी है जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट में फ़र्क बस इतना है, वो भी बता लेते हैं थोड़ा। तो इम्प्लिसिट में क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट, ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट मतलब अगर एक्स एंड वाई को हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं, इम्प्लिसिट मतलब एक्स एंड वाई को अगर सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये लिख रही हूँ, यहाँ पे हम दोनों, यहाँ पे जो भी लिखा है और यहाँ पे लिख रहे हैं इस तरह का, प्लस टू ए एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वाई इक्वल टू समथिंग एक्स या फिर एक्स इक्वल टू समथिंग वाई, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। वाई इक्वल टू सपोज खाली एक्स प्लस वाई भी अगर मैं लिखूँ तो वाई इक्वल टू लिख सकते हो माइनस एक्स। पर यहाँ पे हम लोग एक्स एंड वाई को सेपरेट नहीं लिख सकते, वाई को भी कभी भी एक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते या फिर एक्स को भी वाई फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस तरह का फंक्शन को बोलेंगे इम्प्लिसिट, एंड इस तरह का बोलेंगे एक्सप्लिसिट। समझ में आया? तो जहाँ पे हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं वो है एक्सप्लिसिट फंक्शन, और जहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ठीक है, तो फंक्शन के ऊपर एक ब्रीफ आइडिया हो गया। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।